सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हूँ मैं काजा में, तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा काजा। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, मम्मी वहाँ पर आगे जा रहे हैं, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे, जो पिछले व्लॉग में मैंने सूट लिया था खेत से, तो उसको सिलाने जा रहे। तो और बाकी मैं आज का वेदर दिखाती हूँ, आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। सो गाइज, ये रहा आज का वेदर, बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम, किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है। तो रही आगे मम्मी, तो चलो चलते हैं बाजार। गाइज ये रही मम्मी, हाय। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं काजा, और पेड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली आ चुकी है। और ये रहा खेत के लिए, जो काजा की खेती वहाँ के लिए पानी इस वाले तालाब से जाता है। चलो चलते हैं बाजार, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। और जिस जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस, काजा में काफ़ी सुंदर सुंदर होटल बन रहे, और ये वाला होटल इतना प्यारा दिख रहा है ना, तो देख सकते हैं आप लोग, अभी काम चला हुआ है इसमें, और एक यहाँ भी है। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है काजा बाजार। तो अभी यहाँ साइड में भी नई नई दुकानें बन रही है, अभी ओपन नहीं हुआ है। गाइस, ये रहा काजा बाजार, देख सकते हैं आप लोग, उतना ज्यादा भी क्राउड नहीं है। ये रहा काजा सीबीआई बैंक। गाइस, यहाँ ऊपर है टेलर का एक दुकान, तो हम वहाँ जाएंगे सूट लाने। मम्मी चले गए पहले ही, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, ये रहा मेरा सूट मम्मी का, तो हम यहाँ पर सिलवाएंगे। गाइस, हमने नाप ले दिया है, हम आ चुके हैं बाहर। और ये रहा लिंगता है, तो ये वाले कितना सुंदर लग रहे हैं, मस्त। तो गाइस, अब हम चल पड़े, दवाई खा रहे ना खम्बला, तो अब हम जाएंगे की। तो गाइस, मैं आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ, पर आप लोग देख सकते हैं हमारे भारत का झंडा बना हुआ है, और ये रहा नवोदय, और वहाँ पर लिखा हुआ है ओम माने पद्मे हुम, वो भी पहाड़ पे पत्थरों से बनाया है गाइस, ये इतने बड़े पहाड़ में देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा है ये। सो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, मम्मी अभी यहाँ पर प्याज और टमाटर ले रहे हैं, करेला, और भैया करेला दे दो सब आधा किलो, आधा किलो करेला दे दो, एक किलो टमाटर, एक किलो करेला। गाइस, करेला किस चीज़ का फेवरेट है बताना, मेरा फेवरेट है करेला, तो आज हम खाएंगे घर में करेले की सब्जी। सो दोस्तों, मैं और मम्मी लिफ्ट पकड़ के चल पड़े घर, क्योंकि हमें खेत भी जाना है, तो अगर हम शाम को जाए तो 5 बजे जाती है बस, तो हमें लेट हो जाएगा। सो गाइस, मैं और मम्मी यहाँ रंगीक पुल तक लिफ्ट मांग के आ गए, क्योंकि अगर हम बस का वेट करते तो बस शाम के 4 या 5, हाँ शाम के 5 बजे जाते, तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, हमें खेत भी जाना है, तो इसलिए हम लिफ्ट मांग के आ गए। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये है रंगीक पुल, और ये जो है ये है सतलुज नदी। ये रहा गाइस रंगीक पुल, कितना मस्त दिखता है ना यहाँ से।
सुंदर सुंदर रंगरिक पुल, मतलब यहाँ से एक उस साइड है क्वांग, जहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था भारत का झंडा बना उस जो गांव है उस गांव का नाम है क्वांग, और वहाँ पर आप लोगों को एक गांव दिख रहा होगा वो उस गांव का नाम है रंगरिक, और उसके आगे भी काफ़ी सारे गांव है रंगरिक, खुरिक, मोरांगहाल, पांगमो, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मुझे और मम्मी को लिफ्ट नहीं मिल रही है गाइस, देखते हैं लिफ्ट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। सो गाइस हमें लिफ्ट मिल गई है, तो अभी हम चल पड़े अपने गांव, और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव। सामान है तो अभी मैं कपड़े चेंज करूंगी, और फिर उसके बाद मुझे मम्मी को अभी खेत जाना है, थोड़ा सा काम है तो खेत जाएंगे। टॉमी तो दोस्तों तो कपड़े कर लिए मैंने चेंज, और मम्मी ने भी, तो वो रही मम्मी, तो अभी हम चल पड़े खेत, क्योंकि हमें खेत में ज्यादा काम नहीं है। जो हमारे तीन खेत है, फर्स्ट के और सेकंड के जो हमने मटर बीजे हैं उसमें पानी लगाए थे, तो आप लोगों को दिखा ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, तो अभी जो वो कैरी बनाए उसके जो जो जहां से पानी आता है उसको बंद करना होता, तो अभी हम बंद करने जा रहे खेत में मैं और मम्मी, तो बाकी चलो चलते हैं खेत और देखते हैं क्या रहता है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं खेत, तो ये वाला खेत हमारा, तो पहले हम इस वाले खेत को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो इसके परे से परे वाला खेत है तो उसको करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा वो परे लास्ट में खेत है तो वहाँ जाऊँगी मैं और मम्मी, तो चलो शुरू हो जाते हैं। बस जो ऐसा कैरी बना हुआ है ना, जो ये वाला है ना, जैसे कि ये, तो इसे हमें जहाँ यहाँ से पानी जाता है ना, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी है वहाँ भी, तो इसको हमें बंद करना है, मतलब एक लाइन हमें बंद करना है, जो ऊपर वाला लाइन है उसे हमें खोलना है और बंद करना है, बस ऐसे ही काम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और ये रही मोटर। बस जो हमारा घर वाला खेत का जो वो करने को था काम, तो वो हो गया है, तो अभी मैं और मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाला खेत है, परे ऊपर से पत्थर दिख रहा है ना आपको, वहाँ से यहाँ नीचे जो पत्थर है यहाँ तक, और इसके बाद ये खेत कंप्लीट करने के बाद फिर जाके हमें उस पोल के परे नीचे जो घर है ना वहाँ पर हमारा खेत है, तो वहाँ करने जाना है। तो मतलब तीन खेत है टोटल, तो है तो बहुत सारे खेत, बट अभी हमारे को काम करने को है तीन खेत में, तो अभी करते हैं फटाफट। तो गाइज आधा काम हो चुका है, बस आधा रह गया है, तो बार बार आपको यही काम क्या दिखाते रहना, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। तो ये जो थोड़ा सा रह गया हमें 10 मिनट लगेंगे, तो ये वाले कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं परे वाले खेत में। गाइज हमारा ये वाला खेत कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं परे वाले खेत में, परे वाले खेत में, तो चलो चलते हैं। तो गाइज ये रहा वो खेत, इसमें भी हमने मटर बीजा है, तो देख सकते हैं आप लोग, पिछले दो या तीन दिन पहले हमने यहाँ पर पानी लगाया था, तो अभी ये गीला है, बट गीले में ज़्यादा आसान होता है तो करते हैं। और ये जो हमारे ये खेत है, इसमें गेहूँ लगाया, तो ये किसी और को इस साल शेयर किया है लगाने के लिए, तो चलो यहाँ भी स्टार्ट करते हैं काम। गाइज ऐसा करना पड़ता है, मम्मी लगे काम पे, तो मतलब ये जो साइड है यहाँ से पानी जाने के लिए मतलब रास्ता रखना पड़ता है, तो ऐसे निकालना पड़ता है, तो ये सब मम्मी ऐसे करेंगे, और मेरा काम होगा जो ये है ना इसको बंद करना। तो चलो मैं बंद कर लेती हूँ, तो ज़्यादा आप लोगों को यही एक ही काम क्या दिखाना, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो मैं ये करूँगी और फिर मिलूँगी आप सबसे। सो गाइस खेत का काम हो चुका है डन, तो अब हम जाएंगे घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।